सीओ जैसे बड़े मंच पर शहबाज ने इशारों में कश्मीर पर बयान दिया। इंडिया हैज मेड इट क्लियर दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, सो नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट दिस पिक्चर। अगर इंडिया, ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यार ये जाहिल कौम है। तो ये जो एससीओ समिट है, देख तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गए नहीं वहाँ जयशंकर जी गए, लेकिन वो कश्मीर का नाम नहीं ले पाए क्योंकि शहबाज के सामने बैठे थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो पाकिस्तान को उसके ही सामने धोने लगे। वी हैव हैड आवर ओन एक्सपीरियंसेस विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लेट अस बी क्लियर द टेररिज्म इन एनी फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. We cannot have double standards in this regard. In all forms, ये बेकार का ये 3476 साल पुराना फॉर्मूला कि भाई आपका आतंकवाद मेरे लिए फ्रीडम फाइट है, मेरा फ्रीडम फाइट आपके लिए आतंकवाद है, ये घिसा पिटा राग पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। पाकिस्तान पालता है। सो दिस इज ओनली वन पॉइंट, दिस इज अबाउट पाकिस्तान। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला। पाकिस्तान बहुत हद तक, दोस्तों बहुत हद तक सपोर्ट क्यों करता है कश्मीर के मामले को, ये कश्मीर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं पाकिस्तानी ग्रुप्स, इनको लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी जो सड़क पर चलता है उसका दिमाग बताता हूं मैं आपको, पढ़े लिखे होते नहीं है, 99% ऑफ द पाकिस्तानीज आर ब्लैंक, 1% है इनका दिमाग है, एंड सम ऑफ देम ठीक है, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल इन देयर प्रोफेशंस एंड दे हैव अ सॉलिड होल्ड ऑफ टॉपिक्स। ज्यादातर पाकिस्तानी जाहिल है, ज्यादातर 99% दे आर यूजलेस। पाकिस्तानियों का यह है कि कश्मीर में कुछ भी करा वो जायज है क्योंकि कोट अनकोट ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, तो कुछ भी, ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, ये एक गाड़ी में आरडीएक्स लगा के ये बम मार दें और वहां पे हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो जाए, ये सब जायज है ठीक है। ये ऐसे बीज बोते हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद निकलता है, लेकिन सिर्फ लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद नहीं निकलता। जब आप रेडिकलिज्म को मदरसों में बढ़ावा देंगे, जब आप 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद का चूरन खिलाएंगे तो एक और पौधा वहां पे जन्म लेगा, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सारे भाई बहन हैं एक साथ, ये सारे भाई बहन हैं, लश्कर, जैश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, जिंदुल्ला, ये सब भाई हैं, इनकी कॉमन एक माइंडसेट है, इनका कॉमन माइंडसेट है यार, बस एक की बंदूकें कश्मीर की ओर है, एक की बंदूकें इस्लामाबाद की ओर है, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस इन माइंडसेट। आप एक लश्कर वाले को टीटीपी में डाल दो, टीटीपी वाले को जैश में डाल दो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वहां पे पश्तून ज्यादा है, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। इनकी एथनिसिटी को अगर निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि लश्कर और जैश में ज्यादातर पंजाबी भरे हुए हैं, पाकिस्तानी पंजाबी वहां पे भरे हुए हैं, वहां पे अलग मामला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज फॉर काउंटर टेररिस्ट कहता एम्फसाइज नीड टू काउंटर टेररिस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोर्ट इफेक्टिव कोऑपरेशन विद इन एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब यार एक बात इसमें बताओ, मुझे एक बात यह समझ में नहीं आई ठीक है जी, कि हम लोग एंटी टेररिज्म की बात कर रहे हैं और बड़े सीरियसली बात कर रहे हैं और बीच में पाकिस्तान बैठा है, पाकिस्तान भी एंटी टेररिज्म, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा टेरर स्टेट है, यह कहता है कि इंडिया सपोर्ट करता है ना ये ग्रुप्स को, और भाई इंडिया किस लेवल पे है, इंडिया किस लेवल पे है, सोचो यार, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आपको क्या लगता है हम ये दो दो कौड़ी के लोगों से, जानवरों के साथ हम डील करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड है, हम तुम्हारे राष्ट्रपति तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह नहीं लगते यार, अगर भागो यहां से, निकलो यहां से भिखारियों, तुम्हें क्या लगता है कि दो दो कौड़ी के ये टीटीपी टाइप के जो दो कौड़ी की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भारत डील करेगा, उनको भारत पैसे देगा, तुमने ये सोच रखा है। ये जो एससीओ समिट है, देख तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गए नहीं वहां जयशंकर जी गए, लेकिन जयशंकर जो है उनकी मुलाकात वांगली से हुई है, उनके वजीर खारजा जो चाइना के हैं,
और वो उसमें वही बात हुई है कि जी एलएसी के ऊपर आगे मुजाकरात हम जारी रखेंगे। अब ये भी एक बड़ी तलखी है, इस को भी खत्म होना चाहिए इस मामले को भी, जो एलएसी का मामला है इंडिया और चाइना के दरमियान, क्योंकि सवा सवा अरब के मुल्क हैं और आपस में इनकी तो जंग बनती नहीं है, लेकिन एक तलखी है बहरहाल। लेकिन जो मॉस्को है वो जा रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले हफ्ते, और वो मॉस्को भी जा रहे हैं और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय जो है वो सरबराह मुमलिकत होंगे जो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। तो ये अब इस पूरी पिक्चर में प्रेसिडेंट बाइडेन, ईरान का फैसला, मैक्रों का फैसला, बरतानिया का फैसला, मतलब ये सारे फैसले सामने आने को हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी, अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। सो दिस इज ओनली वन पॉइंट, दिस इज अबाउट पाकिस्तान। इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो जो पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया के अंदर कहाँ दहशतगर्दी हो रही है हमें बताएं, मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, हैदराबाद में कहाँ हो रही है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कश्मीर में जी दहशतगर्दी हो रही है, मतलब ये एक वो दिस इज बड़ा। वो पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर में जो हो रहा है वो तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। ये पाकिस्तान जब दुनिया के कैपिटल्स में बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, पॉइंट आता है, तो वो कहते हैं वो तो स्ट्रगल है, आपको नहीं पता वो स्ट्रगल है, वो तो ऑपरेशन उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान अब ऐसी बातें करता है, इंडिया कहता नहीं ये दहशतगर्दी है। बहरहाल कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया वो फिक्स हो चुके हुए हैं, ये एक चीज है। अब इंडिया जैसे मैंने कहा ना कि वो दहशतगर्दी की बात कर रहा है, वो कहते हैं जी बॉर्डर पे देखें जी जो दहशतगर्दी है वो हमारे बॉर्डर से बाहर होती है, बाहर से उठती है, ओरिजिनेट होती है, इंडियन ये कहते हैं, ठीक है जी। अब होता यह है कि एससीओ में ये होता है कि फॉर्मेट यह है कि यहाँ पे कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को डायरेक्ट टारगेट नहीं करेगा, ठीक है जी। और जी दहशत वो आप सारी पता, इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता, इंडिया वहां पे चाइना का नाम नहीं ले सकता, चाइना वहां पे इंडिया का नाम नहीं ले सकता, पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं ले सकता इस फॉर्मेट के अंदर, लेकिन आप जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं। सो वो एक ही चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कहते हैं कि जी अब भारत को, वो भारत क्या कह रहा है पाकिस्तान, वो कहता है जी पाकिस्तान को आइसोलेट करें और एक्सपोज करें जो दहशतगर्दों को, जारी बात है ये कौन से मुल्क हैं जो दहशतगर्दी को वो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, ये क्वेश्चन है ना। अब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि इनको आइसोलेट करें और एक्सपोज करें, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी करे जो कि दहशतगर्दों को सेफ हैवन्स देते हैं और टेररिज्म को वो करता है, जारी बात है पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान आदि हो चुका होगा इंडिया की ये बातें, ये एक पैराग्राफ हमेशा जहां पर डॉक्टर जयशंकर होगा, जहां पे पाकिस्तान हो के वजीर आजम या वजीर खारजा होगा, ये बातें तो होनी है। सो डॉक्टर जयशंकर ने करनी है, उनको ये कहना पड़ेगा कि देयर इज नो कॉज फॉर विच वॉयलेंस कैन बी अ जस्टिफाइबल।